फ्रेंड, स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे तुरई की सब्ज़ी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे कि ये बिल्कुल भी नुकसान ना करे और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगे। तो इसे बनाने के लिए हमने ये देखे 1 किलो के करीब तुरई ली हैं। ये हमारे खेत की हैं, इसीलिए खेत से ही टूट के आई हैं, इसलिए इसमें ये देखिए फूल वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। तो इन्हें हम साफ़ करे ले रहे हैं और इन्हें ऊपर से और नीचे से इस तरह से हम काट लेंगे। तो इन्हें काटने के बाद हम छीले की सहायता से इन्हें छील ले रहे हैं और इनको हम इस तरह से देखिए छील लेंगे और इन्हें हम छीलने के बाद धोएंगे। तो हम इन्हें पहले छीले ले रहे हैं, सारी तुरई को हम छील लेंगे इस तरह से। बहुत ही आसानी से छिल जाती हैं क्योंकि ये अभी ताज़ी ही टूट के खेत में से आई हैं और ये रखी हुई नहीं है, तभी बहुत आसानी से छिली जा रही हैं। रखी हुई तुरई जो होती हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाती हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम सारी तुरई छील लेंगे और ये देखिए हमने सभी छील ली हैं। छीलने के बाद इन्हें हम साफ पानी में धोए ले रहे हैं और इस तरह से हम इनको धो के अलग बर्तन में हमने निकाल लिया है। इसके बाद हम इनको काटेंगे। इन्हें हमने बीच से पहले चीर लिया है, उसके बाद हमने देख लिया है ये हमारी बिल्कुल साफ़ है। तो ये बहुत पतली पतली तुरई हैं, तो इनमें बीज भी नहीं ज़्यादा मोटे हैं कुछ भी, और ये बहुत ही आसानी से कटी जा रही हैं। और इन्हें इस तरह से देखिए पीसेज में काटे ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने इनको काट लिया है। अब हम इनका मसाला तैयार करेंगे। हमने लहसुन की कलियां ली हैं थोड़ी सी और प्याज लिया है, और ये है हमारी राई यानी कि सरसों, और ये है थोड़ी सी सौंफ 1 चम्मच के करीब। तो ये सरसों और सौंफ का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। तो इनको हमने पीस लिया है, इन्हें हमने सिलबट्टे से पीसा है, तो इसीलिए हमने इनको पीसने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और मिर्च। हम इसमें बहुत थोड़ी डालेंगे क्योंकि हम हरी मिर्च इसमें डालेंगे, इसीलिए हमने थोड़ी हरी मिर्च हमने इसमें थोड़ी लाल मिर्च डाली है, इसीलिए हमने इसमें और धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल दिया है। और अब हमने थोड़ा सा पानी डालकर इनको मिला दिया है। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें डाल दिए हमारी हरी मिर्च, हमने ज़्यादा तेल नहीं डाला। और हरी मिर्च डालने के बाद हमने हमारे ये मसाले डाल दिए हैं। उसके बाद हमने इनको ढककर धीमी आंच पे भूने ले रहे हैं और ये मसाले हमारे भून के तैयार हो गए। तभी हमने इसमें डाल दी है हमारी तुरई, इनको मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हमने 1 चम्मच के करीब नमक डाला है क्योंकि इसे हमें बिल्कुल गाढ़ा ही बनाना है और इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं लगाएंगे। सिर्फ ये कटोरी जो है इसको धो के बस ज़रा सा पानी डाले दे रहे हैं। देखिए, इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं लगाया, ज़रा सा हल्का सा बिल्कुल डाला है पानी। तो इनमें देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी पानी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग 2 चम्मच के करीब पानी होगा, 2 बड़े चम्मच के करीब। इनको हम ढक देंगे और इन्हें हम 5 मिनट तक पकने देते हैं। तो तब तक के लिए हमने ये देखिए कच्चा आम लिया है, इस आम को हम छीले ले रहे हैं। इस तरह से हम इसको छील लेंगे क्योंकि आम इस टाइम कच्चे मिल जाते हैं। ये भी हमारे बाग में लगे हुए हैं, हमारा आम का पेड़ है उसी में ये लगे हुए हैं। इसकी जगह पे आमचूर पाउडर भी डाला जा सकता है, लेकिन इस टाइम ये जो कच्चे आम हैं ये मिल जाते हैं, इसीलिए हम इसे ही डालेंगे। तो हमने इसको छील लिया है और छीलने के बाद इसको हम काट लेंगे, इसके पीसेज हम काट लेंगे और इन्हें इस तरह से हमने काट लिया है, इन्हें धो लेंगे। और ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारी ये देखिए तुरई बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो हमने ये देखिए हमारी कटी हुई आम की कलियां डाल दी हैं। तो इनको हम मिक्स करे दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे, 1 मिनट के लिए पकने देते हैं, आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, क्योंकि इसका जो आम है ये जब पक जाएंगे तो इसमें खटापन आ जाएगा। और हमने इसको पकने दिया है। तो अब ये हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, फिर भी इसमें इतना पानी छूटा है। अगर हमें ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी होती तो हम इनका पानी जला देते, लेकिन ये चावल के साथ खाने के लिए तैयार है और बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई।